दिखाए गए स्टंट्स पेशेवर लोगों ने किए हैं, इन्हें घर पर ना दोहराएं। वो कौन सी जगह है जहां आप सपनों में भी नहीं जाना चाहेंगे कब जब बिजली गिर रही हो? वो जगह है ये। हाय जोएल। हाय। हर साल कोई ना कोई ऐसे ही किसी गोल्फ कोर्स पर बिजली गिरने से जान जरूर गंवाता है। बॉल्स ले आइए, मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो आपकी जान बचा सकता है। आज रात यहाँ भयानक बिजली कड़कने वाली है। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ टेस्ला कॉइल। दरअसल ये इंसानों की बनाई लाइटिंग मशीन है। यहाँ चार डमीज रखी है जिनमें विस्फोटक गैस भरी हुई है। अगर यहाँ बिजली गिरने लगे तो आप इनमें से क्या पहनकर जान बचाएंगे? यहाँ चार डमीज हैं जिन्होंने चार अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनी है। पहली ने रेनकोट पहना हुआ है, ओके? ये रही बारिश, पानी डाल दिया। इसने रबर के जूते पहने हैं। नंबर टू ने तो कुछ भी नहीं पहना है। अच्छा हुआ ये इंसान नहीं है, वैसे गोल्फ कोर्स पर मैं कारनामा कर चुका हूँ। वो रहा नंबर थ्री, और ये हमारा महान सूरमा जो आर्मर पहनकर खड़ा है। और सबसे आखिर में है हमारे मिस्टर रबरमैन। तो चलिए आपके साथ शुरू करते हैं, आप किसे पसंद करेंगे? रेन जैकेट, पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और ये रेन जैकेट और रबर बूट्स हमें कवर कर लेते हैं। आप क्या चुने? रबर बूट्स वाला आइडिया बहुत अच्छा है, पर रबर सूट को बेहतर समझता हूँ। मुझे लगता है कि बॉडी और स्किन के बीच स्वेट की जो लेयर होगी वो मुझे सुरक्षित रखेगी। आप बताइए। मुझे वो सैनिकों वाला कवच पसंद है, मेटल बिजली का बढ़िया कंडक्टर होता है, इसलिए मैं उस सूट में सेफ रहूंगा। तुम्हारा कबाब बन जाएगा। यह तंदूरी चिकन एक तो पक्का है, देखते क्या होता है। वो तो अभी पता चल जाएगा। आप बताइए। बिना कपड़ों के? आप कह रहे हैं बिजली गिर रही हो तो सारे कपड़े उतार कर फेंक दो? हाँ, तभी बचेंगे। पीछे की साइंस? मुझे लगता है अगर कपड़े पहने रहूंगा तो मेरा भरता बन जाएगा, तो अगर कपड़े ही नहीं होंगे तो मैं बच जाऊंगा। ठीक है, सबने एक एक चुन लिया, तो क्या गेम शुरू करें? आप तैयार हो? है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम इसे थोड़ा दूर से देखेंगे। सिर्फ एक पुतला ही टेस्ला की कड़कड़ाती बिजली से बच पाएगा। ये काम आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको पता होगा आपके घर में आने वाली बिजली 110 वोल्ट्स की होती है, और ये उससे 9000 गुना ज्यादा वोल्टेज की है। यानी ये जोर का झटका जोर से ही मारेगी। वाह, अब तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। 3, 2, बाकी तैयार हूं। और 1, स्टार्ट। वेलकम टू स्ट्रीट जीनियस, ऐसा मजेदार शो जहां मैं करता हूं कुछ अटपटे एक्सपेरिमेंट और आपको गेस करने हैं उनके चटपटे नतीजे। देखिए आगे क्या होगा। तो बताओ क्या होगा? उड़ा दो। मैं साइंस को खींच लाया हूं स्ट्रीट पर। ये काम आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या? तैयार हो जाइए। 3, 2, आप लोग तैयार हो ना? हाँ। और 1, स्टार्ट। ओ, ये तो गया। रेन जैकेट और रबर बूट्स के तो धज्जियां उड़ गई। वो बिजली ने बिना कपड़े वाले का नामो निशान मिटा दिया। अब बचे हैं कवच और रबर सूट। यस, यस। और ये लीजिए, रबर वेट सूट की भी धज्जियां उड़ गई। ये रहे हमारे विजेता। मैंने कहा था ना धज्जियां उड़ जाएंगी। उसकी आवाज सुनी? यस, वही खड़ा रहा, बाकी सब मजा आ गया। इसकी हालत तो देखो। सीरियसली देखो इसे। लेकिन सैनिक अभी भी मोर्चे पर खड़ा है, तो अब बताइए ये कैसे टिका रहा? क्योंकि मेरे अक्कल के घोड़े सबसे तेज दौड़ते हैं। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि बिजली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का सबसे आसान रास्ता ढूंढती है। यहाँ वो रास्ता था डमी से होते हुए जमीन से जाना, और इसका जरिया बना कवच में मौजूद मेटल।
कवच ने बिजली और डमी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। सूट ने बिजली को डमी से दूर रखा और बिजली सूट के बाहरी हिस्से से होते हुए जमीन में समा गई, वो भी बिना डमी को छुए। अंदर से ये महफूज है। हाँ सही है ना, मजे की बात। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर आपने मेटल का सिर्फ हैट पहना होता तो आप सीख कबाब बन जाते। और दूसरी डमीज इसलिए नहीं बच पाई क्योंकि उनके कपड़ों ने बिजली को रास्ता नहीं दिया, इसीलिए मजबूरन बिजली ने डमी को ही अपना रास्ता बना लिया और किस्सा खत्म। तो बताइए आज कौन सा सबक सीखा? अगली बार गोल्फ खेलते हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। नहीं, आपको चाहिए सूट ऑफ आर्मर। ओह यस। मॉडर्न साइंस के हैरतअंगेज चमत्कारों के बारे में सोचते ही दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके बाद हैड्रन कोलाइडर, मैं कुछ भूल रहा हूँ, ओह हाँ, ब्लेंडर। आपका नाम क्या है? गैब्रियल। एलन। एलन, मैं हूँ टिम। और आपका नाम? क्रिस। हाय, सुनिए, मैं अपने ब्लेंडर में कुछ ब्लेंड करने वाला हूँ, आप मेरी मदद करोगे? हाँ। चलिए, हमें उस तरफ जाना है, आइए मेरे साथ। आपने नाम नहीं बताया? डेफनी। डेफनी, मिलकर अच्छा लगा। यहाँ इस टेबल पर ब्लेंडर रखा है, पावर का भी इंतजाम है। अब हमें कुछ चीजें ब्लेंड करनी है। मेरे पास ब्राउन एल यानी बियर है। अपनी जेबें दिखाइए, जो भी है निकाल लीजिए। दिखाइए मुझे क्या है। मेरे पास चैपस्टिक है। चैपस्टिक, आपके पास क्या है? मेरे पास ये देखिए चाबी, ये घर की चाबी है। आप भी ये देखिए, कई चीजें मिली है। मेरी जेब में से क्या निकला? गोल्फ बॉल्स। और देखिए और भी कुछ है शायद, ग्रेनाइट। ये रहे ग्रेनाइट पत्थर। क्रिस, हमें बताओ इनमें से क्या ब्लेंड नहीं होगा? मेरे ख्याल से बॉल्स उछलते ही रहेंगे। मेरी चॉइस है गोल्फ बॉल्स। यानी बॉल्स बस उछलती रहेंगी। मेरा मतलब है बॉल्स को ब्लेंड करना मुश्किल होगा। ओके, इन्होंने चुनी है गोल्फ बॉल्स। अब गैब्रियल, आप बताइए कौन सी चीज ब्लेंड नहीं होगी? ये चाबियां। ओके, ये ब्लेंड नहीं होगी। तुम्हारी चाबियां। हाँ बिल्कुल ठीक है, चाबियां, यानी इन दोनों ने मेटल चुना है। विलियम, तुम बताओ। गोल्फ बॉल्स। एरन, मेरी चाबी। इन्हें वापस मत देना, ये अभी हमारी है। नहीं, वापस मत देना। चलिए, तो क्या हम शुरू करें? आप तैयार हैं? हाँ। किसी ने भी बियर बॉटल या ग्रेनाइट पर दाव नहीं लगाया। चलिए देखते हैं सबसे मजबूत चीज कौन सी है। बॉल्स गई ब्लेंडर में। फिलहाल तो ये उछल रही है, देखते हैं बॉल्स की अम्मा कब तक खैर मनाती है। चलिए देखते हैं। बॉल्स ने इस जंग में घुटने टेक दिए हैं। क्या बियर इसे झेल पाएगी? चलिए देखते हैं। ये तो इसके लिए चुटकियों का खेल निकला। पीस डाला। अब ग्रेनाइट्स। हाँ, बिल्कुल। अब बारी है ग्रेनाइट्स की, तो बताओ इनका क्या होने वाला है? चलो देखते हैं। पीस जाएंगे। पत्थर की भी जान निकल गई। Yeah! मुझे लग रहा है इस बार आप सबकी भविष्यवाणी सच होने वाली है। देखना चाहते हो? हाँ? ये देखो। इसकी तो हालत ही खराब हो गई। अब सारी नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, निकल प्लेटेड ब्रास हाउस कीज। और ब्लेंडर की हवा हवाई देखकर एरन की हवा निकल रही है। ब्लेंड करने के लिए तैयार हो? तैयार है। यहाँ किसी को मेरी परवाह है कि नहीं? डाल दो चाबियां। ओके, अब चाबियों की बारी। 3, 2, 1। सबसे पहले गोल्फ। हम घूम रहे हैं लास वेगास की सड़कों पर और ले रहे हैं ब्लेंडर का कड़ा इम्तिहान। अब तक तो सबका हाल बेहाल था। चाबियां गई अंदर। ओके, अब चाबियों की बारी। 3, 2, 1। एरन की निकल प्लेटेड हाउस कीज। टूट गई मेरी चाबियां। क्या कर दिया ये आपने? पिस गया भाई, पिस गया। चाबियां भी पिस गई। अब बताओ घर कैसे खोलूंगा? कोई भी चीज खुद को नहीं बचा पाई, पर सवाल ये है कि ये इसने किया कैसे? स्पीड की वजह से। ये सब इसकी स्पीड का कमाल है। ये वजह भी सही है, रफ्तार एक वजह है, इसके अलावा भी कुछ है। ये हाई कार्बन सर्जिकल स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स हैं। आपको कैसे पता चला? मैं शेफ हूँ। आपने सही पहचाना, ये वही है। मजे की बात यह है कि ब्लेड पर धार नहीं है, इसीलिए ये रास्ते में आने वाली हर चीज की धज्जियां उड़ा रही थी। हथौड़े की तरह चोट करता ये ब्लेड 500 किलोमीटर पर आर की रफ्तार पर घूम रहा है। पर इसकी कामयाबी का एक और राज है, ये कंटेनर स्क्वायर है, इसीलिए ब्लेड चीजों को दीवार पर फेंकते हैं
और गोलाई में इनका पीछा करने के बजाय ये बेहद मजबूत हाईटेक ब्लेड बार बार इन पर वार करते रहते हैं। अब ये घर का ताला कैसे खोलेंगे? तो चाबी आप बना दीजिए। ये साइंस शो है दोस्तों, एक साइंस शो, पर ये वाली साइंस नहीं। थैंक यू सो मच। लास वेगास ऐसी मजेदार जगह जहां 3,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। यहां आपको वो खाना मिलेगा जो आपने सोचा भी ना हो, और साइंस की अगली चुनौती भी यही मिलेगी। चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हाय, मेरा नाम टिम है। इसके साथ मैं थोड़ा अजीब लग रहा हूँ। गौर से देखें, ये कोट हैंगर का टुकड़ा है और इस पर न्यूज़पेपर भी लगा है। तो क्या आप बता सकते हैं मैं इससे क्या करने वाला हूँ? मक्खियाँ मारने वाले हो? मक्खियाँ मारूंगा। और कोई जवाब है? फिशिंग। ये हुई ना बात, पर फिश कैसे पकड़ूंगा? ये रही क्लू। इसे टेबल टेनिस खेलोगे? अंडा है मेरे भाई, पिंग पॉंग। अच्छा, ऑमलेट बनाओगे? और इसे मैं फ्राई करने वाला हूँ अखबार के ऊपर। मुश्किल है। लेकिन पहले मुझे बताइए, ये फ्राई होगा या नहीं? आपको क्या लगता है क्या होगा? आप बताइए। फ्राई हो जाएगा। आपको तो मुझ पर भरोसा है, क्या बात है, शुक्रिया। आप बताइए। अंडा यहाँ वहाँ फैल कर गिर जाएगा। मतलब अंडा बेकार जाएगा, फ्राई नहीं होगा। बिल्कुल, रहने दो। हाँ, आप बताइए। अंडे का पता नहीं, पर कागज जल जाएगा। आप बताइए। अगर गलती से अंडा फट गया तो आपके फेस पर बढ़िया सा मेकअप हो जाएगा। अच्छा, मेरा मेकअप हो जाएगा। ठीक है, किसी और के पास और कोई आइडिया? तुम मेरे दोस्त, क्या लगता है तुम्हें? ये तो पागलपंती है। ये तो पागलपंती है। ये साइंस है मेरे दोस्त, एक्सपेरिमेंट मानती है। ऑयल, पेपर और आग है ना, गजब का कॉम्बिनेशन। और इस पर आपका दिमाग क्या कहता है? ओह ये, चलिए इसे फ्राई करने की कोशिश करते हैं। नजरें एग पर रखना, बोलो क्या होने वाला है। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? हमारे फ्राइंग पैन मेटल के होते हैं, ये तो बस एक कागज है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये फ्राई हो रहा है। अब सोचिए और बताइए, ये कागज आखिर जल क्यों नहीं रहा? हीट की वजह से अंडा फ्राई हो रहा है। किसने बोला? आगे आओ, ये समझदार बंदा कौन है? तुम कमाल के हो मेरे दोस्त, आगे आ जाओ। मेरा नाम टिम है। ओ, ज्यादा मत हिलाओ। जरा फिर से बताइए जो आपने कहा, क्या हो रहा है? मैंने कहा हीट की वजह से अंडा फ्राई हो रहा है। क्या अक्कल लड़ाई है बंधु, सही जवाब। कागज करीब 232.2 डिग्री सेल्सियस पर जलता है। इस टेम्परेचर पर पहुंचते ही ये आग पकड़ लेता है। ये स्टोव करीब 537.7 डिग्री सेल्सियस की लपेट फेंक रहा है, और तेल गर्मी को अखबार तक पहुंचने नहीं देता, और अखबार जलने से बच जाता है, जिससे हमारे अंडे मियां अखबार पर तसल्ली से आराम फरमा रहे हैं। क्या बात है, इसे कहते हैं अखबार पर मीठा ऑमलेट। भूख भी मिटाती है। हाँ बिल्कुल मिटाती है। ये रहा आपका शाही ब्रेकफास्ट। इसमें खबरों का स्वाद है। जोरदार तालियां हो जाए। राइट है। वो भी न्यूज़पेपर के सिंगल टुकड़े। ये तो बहुत ही टेस्टी है, जबरदस्त। जाओ मजे करो दोस्त, और तुम मुझे ताली। हाँ जानता हूँ ये लास वेगास है, पर आप मानोगे नहीं, यहाँ फ्री की बियर के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाय। ओह माय गॉड। देखिए डरिए मत, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ। मैं टिम हूँ। ठीक है। अच्छा लगा। हाय मैं मरिया, मुझे भी। ये पैंटी होज है। हाय कैसे हो दोस्त? मैं बढ़िया। एक बियर पिला दो मुझे। अच्छा मेरे दोस्त, बियर से पहले एक खाली ग्लास मिलेगा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा ले आना प्लीज। ठीक है, लाता हूं। थैंक यू वेरी मच। अभी सब समझ आ जाएगा। ये असली पैंटी होज है ना? लग तो रही है। चलिए आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। ठीक है। सच कहूँ तो ये आपके होश उड़ा सकता है। शुक्रिया। यू वेलकम। अब इसे ग्लास के ऊपर चढ़ा दो। ऐसे? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर एक इलास्टिक बैंड लगा देता हूँ। ठीक है। ओके। आ गई मेरी बियर। अगर आपको इसमें मजा आया तो आप मुझे फ्री में बियर पिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये है पैंटीहोस, ये ग्लास, ऊपर से इलास्टिक बैंड, और ये क्या है, पानी है? हाँ पानी। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? शौक से। अब देखिए मेरा कमाल, नजरें मत हटाइएगा। तो बताइए क्या हो रहा है? ग्लास में पानी डाल रहे हैं। देखते हैं कितना भर गया है। कपड़ा उठाना पड़ेगा। ओके। हाँ उठाइए। और ये काफी टाइट है, तो बस आप मुझे इतना बताइए कि अगर मैं इसे पलट दूं तो क्या होगा? ठीक है, मैं इसे एक हाथ से पकड़ूंगा, एक हाथ यहाँ है, इसे उल्टा करके मैं अपना हाथ हटा लूंगा। सोचिए क्या हो सकता है। इसमें से पानी गिरने लगेगा और तुम भीग जाओ। नहीं दूर रहो प्लीज। मेरे ख्याल से रबर बैंड और पैंटीहोज दोनों ही खुल जाएंगे, और साथ ही पानी भी निकल जाएगा। बिल्कुल, पानी और पैंटीहोज दोनों निकल जाएंगे। कोई और आइडिया? हाँ तो बताओ। मेरा ख्याल है ज्यादातर पानी गिर जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाएगा। तो क्या तुक्को की रानी सही है
या ये निशाना चूक जाएंगी। तैयार हो तुम? मुझसे दूर रहो। थ्री टू वन। ओह माय गॉड, ये देखो, कमाल है। मैं छू सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, सचमुच छू लूँ? बिल्कुल। हाँ बोलो, ये तो कैसा कमाल लगा? हो गया, मजा आया ना? हाँ मजा आया। तो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। पानी ने ग्लास में से निकलने की कोशिश ही नहीं की, तुम्हारे सामने ही भरा था। हाँ, सही और कहा? तुम्हें ये पता भी है कि ये वाटर टाइट नहीं है, है ना? हाँ। फिर भी इसने बांध की तरह पानी को रोका हुआ है, इसकी वजह क्या हो सकती है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। सोचो। मुझे कुछ नहीं पता। आप मानोगे नहीं पर पानी चिपकू होता है, ये हमेशा खुद से ही चिपका रहता है और इसी वजह से ये सरफेस टेंशन पैदा कर लेता है किसी मेम्ब्रेन या बाहरी मौजूद स्किन की तरह। पानी तो चिपचिपा निकला क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को ही खींचते रहते हैं, इसे कोहेजन कहते हैं। नायलॉन में बने छोटे सुराख पानी के पार्टिकल्स की एकता भंग नहीं कर पाए और इसी एकता ने पानी की फैमिली को बिखरने से बचा लिया। अगर इसे हटा लें तो क्या होगा? ये जाने का एक ही तरीका है, हटा कर देखो। ओह माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। रुक जाओ, फायरिंग रोक दो। दोस्तों रुक जाओ। दोस्तों हाय, मैं टिम हूँ इंग्लैंड से, कैसे हैं आप लोग? मैं एक अनोखी चीज दिखाने आया हूँ। ये एक लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये एक शानदार बुलेट प्रूफ मटेरियल है। तो क्या आप तैयार हैं? कोई नाजुक चीज है, दिखाओ क्या है। बहुत ज्यादा, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हमें भूख नहीं है। ओह गॉड, ये है चॉकलेट सॉस, व्हिप्ड क्रीम, पुडिंग और आइसक्रीम। क्या बात है, हंसने वाली कौन सी बात है? मुझे लगा आपको पता होगा। मीठा देखकर अच्छे अच्छे रुक जाते हैं। गोली क्या चीज है, पर इनमें से कोई एक ही गोली को रोकेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये देखिए, ये नामुमकिन है। सबसे पहले है व्हिप क्रीम, उसके बाद आइसक्रीम, इसमें है चॉकलेट सिरप। ये आपको पसंद है, सही कहा ना? हाँ, सही तो है। और यहाँ आखिर में मौजूद है इंग्लैंड का गिफ्ट, पुडिंग। हम इसे कस्टर्ड कहते हैं। ये प्लास्टिक की पतली शीट्स के बीच में रखे हैं। आप बस ये बताइए इन चारों में से वो कौन है जो आपका शॉट रोक सकता है इस जाबाज से। पहले आप बताइए। मैं चॉकलेट को वोट दूंगा। ओके। क्योंकि वो मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है। ठीक है, चॉकलेट मजेदार होती है, इसलिए मैं चॉकलेट को वोट दूंगा। फैंटास्टिक। मैगी, तुम्हें किस पर भरोसा है? मेरे हिसाब से आइसक्रीम, क्योंकि इन चारों में यही सबसे गाढ़ी है। ओ, तुम तो साइंस की भाषा बोल रही हो। अच्छा तुम किसके साथ खड़े हो? मुझे लगता है पुडिंग। अच्छा क्यों? इंग्लैंड का खाना मुझे कभी भी रास नहीं आया। ये तो दो कदम आगे की सोचते हैं। क्या बात कर रहे हो, तुम इसे खा सकते हो? मुझे लगता है गोली भी इसे नहीं खा सकती। क्या बात है, तुमने तो पूरी दास्तान सुना। माइक तुम बचे हो, तुम भी बता दो, तुम किसी को दूसरा वोट भी दे सकते हो अगर तुम चाहो तो। मैं सबसे फालतू चीज पर दांव लगाऊंगा, व्हिप्ड क्रीम। ठीक है चलो पता लगाते हैं। हाँ चलो देखते हैं। अपने हथियार की ताकत साबित करने के लिए जो है ये 12 गेट शॉटगन, हमने पीछे एक वाटरमेलन भी रख दिया है। अब जरा इसे चलाकर भी देख लेते हैं। रेडी। सबसे पहले माइकी की बारी, व्हिप क्रीम। रेडी। वाव, बढ़िया शॉट था। और कर दिया। व्हिप क्रीम के साथ साथ वाटरमेलन भी शहीद हो गया। व्हिप क्रीम ने बेचारे वाटरमेलन को भी मरवा दिया। क्या मैगी का चुनाव यानी आइसक्रीम इसे बचा पाएगा? मैगी तुम्हारी बारी, तैयार हो जाओ। अब देखो मेरा शॉट। एक और दावा टाई टाई फिस हो गया। बढ़िया शॉट था, वाटरमेलन बिखर गया। दो चीजें नाकामयाब हो चुकी है, दो अभी भी बची हुई हैं। देखते हैं कौन सा मीठा देखकर गोली का मन लल जाएगा, चॉकलेट सिरप या पुडिंग। कौन है वो जो 12 गेज के धमाके को झेल पाएगा? आराम से अपना टाइम लो, पर निशाना सही लगना चाहिए।
किसी को पता है क्या हुआ? चॉकलेट की तो धज्जियां उड़ गई, लेकिन पुडिंग, चलिए देखते हैं पुडिंग ने क्या कमाल कर दिखाया। हाँ सचमुच। चलिए देखते हैं, इसे देखिए, ये पुडिंग तो बुलेट प्रूफ निकली। गोली ने प्लास्टिक की शीट को तोड़ दिया, लेकिन पुडिंग को पार नहीं कर पाई। पुडिंग ने गोली की रफ्तार पर लगाम लगा दी और वाटरमेलन की जान बचा ली। तो हमारी विनर है पुडिंग। अब सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है, इनमें क्या नहीं था जो इसमें है, बताइए। पता नहीं। इसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। ये अच्छा? बाकी फ्लूइड चीजों से अलग है। जब आप इस पर तेजी से और जोरदार ढंग से हमला करते हैं तो ये किसी दीवार की तरह ठोस बन जाता है। और इसका राज छिपा है पुडिंग के इंग्रेडिएंट्स में। इसमें है कॉर्न स्टार्च और वाटर। तेजी से हुए हमले के तनाव की वजह से ये मिक्सचर ठोस चीज की तरह इम्पैक्ट करता है और तनाव के हटते ही ये फिर से लिक्विड जैसा बर्ताव करने लगता है। मेरे दोस्तों, चैट को छोड़कर आप सभी ये बाजी हार गए। ये है बुलेट प्रूफ पुडिंग। वाह, बात है।